आज हम करने वाले हैं ड्यूक 390 का फर्स्ट माइलेज टेस्ट। तो चलिए इसका फ्यूल अप करवा दें फुल। वैसे ना आपको एक एडवाइस देता हूँ भाई। तो भाई देख लो यहाँ तक फुल है और ऋषिकेश जाकर के भी एक बार फ्यूल अप करा लेंगे भाई 20 का। भाई हाईवे पे गाड़ी खोलने का मजा ही अलग है भाई। तो भाई लगभग 50 किलोमीटर में अभी आ चुका हूँ। तो गाइस अब वक्त आ चुका है कि माइलेज टेस्ट निकालने का। तो चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आपका आज इस नए व्लॉग में। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। अभी मैं देहरादून में हूँ अपने घर। मैंने सोचा कि आज माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाएं। तो प्रॉपर अभी यहाँ से टैंक फुल कराएंगे और फिर ऋषिकेश में फिर से फिल अप कराएंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि भाई कितना माइलेज निकल के आ रहा है। तो चलिए निकलते अभी घर से और मिलते हैं आपसे मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई अभी निकल चुका है अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश और आज हम करने वाले हैं ड्यूक 390 का फर्स्ट माइलेज टेस्ट। तो अभी तक मैंने इसका कोई भी माइलेज टेस्ट नहीं कराया भाई। तो ये इसका फर्स्ट माइलेज टेस्ट होने वाला है। वैसे मेरा आइडिया जो है मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, अभी डिस्कस कर दूँगा भाई। तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा आपका पूरा व्लॉग देखने का। तो उसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि मेरे को कितना आइडिया था और ये कितना एवरेज दे रही है। तो चलिए इसका फ्यूल अप करवा दें फुल। वैसे ना आपको एक एडवाइस देता हूँ भाई, जब भी फ्यूल अप करा दें तो यार इवनिंग या मॉर्निंग में करवाया करूँ, क्योंकि दिन के टाइम ऑयल ना पतला हो जाता है और सुबह के टाइम ऑयल होता है गाढ़ा, तो इसलिए उस टाइम डलवानी चाहिए, उस टाइम आपको ऑयल ज़्यादा मिलता है। तो भाई देख सकते हो फुल करवा लेते हैं। तो भाई देख लो यहाँ तक फुल है और ऋषिकेश जाकर के भी एक बार फ्यूल अप करा लेंगे। तो मैं आपको फ्यूल रेंज दिखा देता हूँ। तो भाई देखो फ्यूल रेंज आ चुके हैं 290 की और फुल हमारा टैंक हो चुका है और 16,517 किलोमीटर अभी चल चुकी है 16,517। तो ऋषिकेश पहुँच करके देखते हैं कि भाई कितना एग्जैक्ट माइलेज निकलता है इसका भाई 20 का। दोस्त बेकार नहीं है, बहुत पैसे अपने पास। हाँ वाल लोकल नहीं थे। हाँ तो वो फाड़ेंगे ना जब तुम आग निकालोगे तो अंदर से, तो वो वाल वगैरह रबड़ के ही तो होते हैं। मैं ही लोकल सहसपुर शंकरपुर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये डबल फ्राइडे 07 तेल पीती तो है भाई पर मज़ा दिला देती है जो बात है। अब भाई दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगा तो मज़ा ही ले लो या तो फिर एवरेज ही देख लो ना। जेक जो इस मामले में बहुत तगड़ा है भाई। मुझे ऋषिकेश जाने में सिर्फ 2-3 लीटर पेट्रोल लगता था, 2 लीटर बस, आराम से 40-45 का एवरेज देता था। और ऋषिकेश पड़ रहा है मेरे घर से 75 से 80 किलोमीटर। तो भाई 2 लीटर में आराम से पहुँच जाता था भाई। इसमें लगता है मेरा 6 लीटर तेल, लिटरली बता रहा हूँ भाई। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तब जाके मैं ऋषिकेश पहुँचता हूँ भाई। मतलब एक टैंक फुल मांग लो अभी ऋषिकेश पहुँच करके ना भाई, ये हाफ हो जाएगा, गारंटीड है मेरी। देखना भाई एक बात है, जब आपके हाथ में पावर हो ना भाई तो कंट्रोल नहीं रहता, फिर आप ना माइलेज देखोगे ना कुछ। एक बात समझ नहीं आ रही यार, मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि भाई इसका नाम रखा क्या जाए। वैसे मैंने इंस्टा पे पोल डाला था तो आप लोगों ने मेरे को बता दिया होगा, उसमें काफ़ी सारे नाम आए थे, बड़े कॉमेडी वाले नाम डाल रखे भाई लोगों ने यार। तो भाई कुछ नाम मैंने सोचे, तो कमेंट डाउन करके बताओ कि भाई कौन सा नाम ज़्यादा बेस्ट है। एक तो मैंने रखा है इसका नाम जी, सोच रहा हूँ ZEE, एक ZEE US। और शैडो भी अच्छा है, वैसे एक भाई ने बोला था शैडो काफ़ी अच्छा नेम लगा मेरे को वो। और पैंथर वगैरह यार नॉर्मली है, काफ़ी जनों ने रखे हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा नाम ऐसा चाहिए भाई यूनिक सा। और जो ग्राफिक में भी काफ़ी अच्छा लगे यार लुक वाइज, मतलब कि जब मैं ग्राफिक डिज़ाइन करवाऊँ तो भाई उसमें सेक्सेस लगे, ऐसा मेरे को नेम चाहिए। तो कमेंट डाउन कर देना कोई बढ़िया सा नेम, और ज़्यादा बड़ा नेम नहीं चाहिए यार, नेम मेरे को सिर्फ 2 वर्ड का चाहिए कि बोलने में भी आसान हो यार। अब खाली इतना बड़ा मैं नाम रख लूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा इतना बड़ा नेम बोलने में भी, तो शॉर्ट नेम चाहिए मेरे को। पावर है यार, अभी स्टार्टिंग में जब मैं सर्विस करा के लाया था ना भाई तो पावर हल्की सी लैग मार रही थी, वो इसलिए क्योंकि नया नया ऑयल था। बट जैसे रनिंग ले रहे हैं ना भाई उसके बाद जाकर के मज़ा आ रहा है पावर का पूरा। तो अब जाके लग रहा है कि हाँ भाई सर्विस हुई है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं धूलकोट के जंगल में और यहाँ पर माँ काली का मंदिर भी है, बहुत ही अच्छा। तो जब हम जेक को लेकर के आए थे भाई, सबसे पहली पूजा मैंने यहीं पर कराई थी, देन उसके बाद जाकर मैं उसको गंडा लेकर के गया था। तो उसको नहीं लेकर के गया बट ले आ लेंगे कभी। और डाटकाली मेरे को ISBT वाले भी जाना है क्योंकि देहरादून के सभी भाई लोग वहीं जाते, तो मैंने सोचा कि ना एक बार इसको भी लेकर जाया जाए, तो इसे भी लेकर के चलेंगे। एक तो टाइम ही लग पाया जब मैं इसको लेकर के आया था, मेरे कॉलेज वगैरह चलते थे, मेरे को फटाफट से ऋषिकेश भागना पड़ा। यहाँ थोड़ा आराम चलेंगे कि यहाँ पे स्पीड कैमरा है भैया के चालान कट गया ना, वैसे ही आजकल किस्मत इतनी खराब चलती है कि बेफालतू का खर्चा आ रहा है साला। अच्छा मैंने अच्छे खासा सोचा कि भाई चेंजेस वगैरह पेंट कराऊंगा और रैप वगैरह करवाऊंगा इसमें कुछ, पर बेफालतू में भयंकर की
स्लज की प्रॉब्लम आ गई साला, बेकार में वीली मारी यार। कैसे पैसे आएंगे भाई उसके बाद करवा देंगे फिर से वापस से काम। तो चीज़ें वगैरह मैंने ब्लैक करवाने, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया होगा, आई बटन में डाल दूँ, वो भी जा करके चेक कर लेना। क्या साउंड आ रहा है भाई, ये सही है भाई, इसमें तो चलान भी नहीं कटने का। लो करो वैंकर की, लो भाई वापस से करते हैं राइड को कंटिन्यू स्टार्ट। भाई जो इसके पटाखे फटते हैं ना फुल थ्रॉटल में, भाई बंदा सीधा आके झटके खाता है। झटके खाता हूँ जो इसके थॉटल बसते हैं यार। यार गाइस सपोर्ट दिखाया, थोड़ा अच्छा सा है, प्यार दिखाओ भयंकर की। पहले भाई इतने तगड़े व्यूज आते थे यार, अब भयंकर व्यूज नहीं चढ़ रहे भाई, 1000 भी नहीं, 2K भी नहीं चढ़ रहे भाई। क्या हो गया यार चैनल को, पता नहीं रीच ही डाउन होगी कि क्या हुआ। एक बार फिर से यार बूस्ट की जरूरत है भाई, चैनल की रीच डाउन हो रही है यार। जो अपने भाई है ना भाई सब्सक्राइबर लोग, अपनी फैमिली जो है भाई, प्लीज यार वीडियो को शेयर करो तब आगे यार, एक एक बारी कर दो बस सबके, अपनी तरफ से सबके सब अगर एक बंदा भी अपनी तरफ से शेयर करे ना भाई तो बहुत सपोर्ट मिलता है यार। तो बस एक बार ही कर दो, बाकी तो देख लेंगे यार। भाई हाईवे पे गाड़ी खोलने का मजा ही अलग है भाई। साथ में एक गाड़ी और होती तो मजा आया था। तो भाई लगभग 50 किलोमीटर में भी आ चुका हूँ यार। ये हाईवे जब बीच से खुले रहते हैं ये बड़ी बेकार चीज है यार, इसमें लोग आते रहते हैं भयंकर की। एक टनल बनानी चाहिए, मतलब नीचे से देना चाहिए इनको एरिया, इधर से इधर, उधर से इधर जाने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हाईवे खराब करा भाई बीच से, एग्री होता भाई कमेंट डाउन कर दो। मुझे पता है जितने भी कमेंट डाउन करता बाइकर्स ही होंगे भाई, उनको इस चीज से बड़ी दिक्कत है। अबे पागल बंदा है, कहां ला रहा है ये, पूरी दुनिया उधर जाम में लगी हुई, इसके लिए अलग ही रोड बनी हुई है भाई। सही खेल गए वैंच। तो भाई कमेंट डाउन किया करो यार, बताया करो भाई, फीलिंग शेयर करो, तभी तो पता लगेगा भाई कि कैसा कंटेंट चाहिए आपको। अब मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा तो भाई आपको मजा कहाँ से आएगा। सही बात है, मजा तब आएगा ना भाई जब आपका इंटरेस्ट होगा उसमें। तो आप कमेंट डाउन करके बताया करो भाई कि भाई कैसी वीडियो बनानी है, क्या बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। सो गाइज वी आर इन ऋषिकेश, अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और लगभग अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो फटाफट से चलते हैं फ्यूल स्टेशन और वहां पर कराएंगे इसका टैंक फुल, और तब जाके देखेंगे भाई कितना माइलेज हमारा निकल के आया है कैलकुलेशन करके, और एग्जैक्ट माइलेज मैं आपको बताऊंगा। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो बंदे कह रहे ना कि भाई 35 का माइलेज देती है, भाई 35 का माइलेज कैसे दे देगी मेरे भाई, 200 भी नहीं देती है। जो 200 ना BS4 वो तक नहीं देती, मेरे पास जो थी वो लगभग 31 या 32 का माइलेज देती थी मेरे को। भाई कैसे निकाले थे यार बंदे 35, फिर वो भी 390 से भाई, इम्पॉसिबल यार, चाहे तुम कितने ही प्यार से चला लो भाई, कितने ही प्यार से भाई, कंपनी तक क्लेम नहीं करेगी 35 का एवरेज देगी, तुम कैसे निकाल ले रहे हो भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पीछे भी फ्यूल स्टेशन थे बट मैंने वहाँ से नहीं कराया क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए होता है, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम ही दिलाता हूँ हमेशा, अदरवाइज नॉर्मल पेट्रोल जो रहता है सिंपल मैं वो नहीं दिलाता। तो देखते भाई जब भी फिलअप करवाओ ना भाई तो ये मीटर जरूर देखा करो, रीसेट करवाया करो। नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है भाई, कई बार क्या होता है ना कि ये गोली मार देते हैं, तो वो तो उसमें आपकी गलती है भाई, वो उनका तो काम है, उन्हें तो पैसा कमाना है अपने लिए, तो वो करेंगे। बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई जब आप फिलअप करवा रहे हो तो भाई एग्जिट आप उतने का दिलवाओ। हाँ टैंक फुल ऊपर तक कर दो, कर दो कर दो, 350 के 400। तो भाई मोटा मोटा 400 का तेल पिया है इसने, तो भाई 400 का माइलेज, अबे साले सॉरी 400 का तेल भरा। तो गाइस अब वक्त आ चुका है कि माइलेज टेस्ट निकालने का, तो चलिए मेरी बाइक अभी चल चुकी है 16,605 माइनस 516 पे हमने टैंक फुल करवाया था 89 किलोमीटर, तो मोटा मोटा चलो 90 मान लो आप। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे माइलेज टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप टैंक फुल कितने कराया, हमने करवाया 400 का टैंक फुल हुआ हमारा, तो डिवाइडेड कर लेंगे इसको जितने रुपए आपने फ्यूल भरवाया था उस रेट से, तो 102 रुपये लीटर हो रहा है, 2 रुपये लीटर से लेकर के ये भरा है मेरा टैंक 3.9, ठीक है। अब जो हमारी किलोमीटर रेंज है ना उससे डिवाइड करेंगे इसको 3.9 को, तो भाई 23 का माइलेज।
इम्पॉसिबल यार भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने 23 का माइलेज दे कैसे दिया भाई। तो भाई 23 का माइलेज हमारा एक्यूरेट निकल के आ रहा है भाई, देख लो तुम्हारे सामने रिजल्ट है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो भाई इस टाइप से कुछ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।